का सैंपल पेपर, ठीक है, ये वो सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने जारी किया है, और इसको करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसको कर लिया तो आपको एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से बोर्ड का पेपर आने वाला है, और इसमें से कुछ हद तक के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे, और कितना पेपर हार्ड आता है कितना आसान आता है इस पेपर को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश लिखा हुआ है जिसको आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि आपका पेपर जिसमें कई सारे क्वेश्चन 4 नंबर के, 2 नंबर के, 6 नंबर के ऐसे करके आते हैं, तो आपको ये पता लग जाए कितने क्वेश्चन में क्या हमें कितने शब्दों का यूज करना है, और अपना समय बर्बाद ना हो इस वजह से हमें शब्दों का ध्यान रखना है ना। तो इस तरीके से टोटल 30 प्रश्न दिए जाएंगे ए बी सी डी ई करके, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, इसलिए क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ा तो आप सिर्फ अपना नुकसान करोगे। 1 से 12 तक के जो क्वेश्चन है एक एक नंबर के हैं, 13 से 18 के दो दो अंक के हैं, जिसको आपको 50 से 60 वर्डों में करना है। एक मैं चीज और आपको बता दूं, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने इस चीज के ऊपर बना रखी है कि आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अपने राइटिंग को बेटर करना है, और कितनी गैपिंग देनी है, और किस तरीके से लिखना है, इन इसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 19 से 23 4 अंक के क्वेश्चन है, जिसको 100 से 120 में लिखना है, और इसके साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन भी थोड़े से देखने को मिल जाएंगे, इसी को आंतरिक विकल्प भी कहते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं 24 से 26 जो है पैसेज है, कार्टून है, मानचित्र है, ये समझ लीजिए तीनों चीज आपके लिए आपका स्कोर और इंक्रीज करने में ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ सातवां क्वेश्चन के, सातवें नंबर की अगर मैं बात करूँ, 27 से 30वें अंक जो नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 6 अंकों का है, और इसको 170 से 180 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है, और इसमें भी आपको विकल्प देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन और चीजों को देखते हैं, और ऐसे ही आपको अनुमान लग जाएगा कि कौन कौन से आपको क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है आप सबके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित घटनाएं कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुने, यानी कि इनका जो डेट है आपको लिखना है, और लिखने के साथ साथ ये देखना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी उसके बाद हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का जो आक्रमण हुआ था, यानी कि जो हमला हुआ था 1979 में हुआ था, और वो रिटर्न कब आ गया था, 1989 में रिटर्न आ गया था, है ना। तो इसके अलावा तजाकिस्तान में गृह युद्ध की जो समाप्ति हुई थी लमसम अगर देखा जाए 1992 के आसपास हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों द्वारा एक सैन्य तख्ता पलट जो किया गया था यह 1991 में किया गया था, और रूसी क्रांति आप सबको पता है 1917 में हुआ था। अब आपको क्या करना, आपको ये डेट का जब अंदाजा आपको लग जाएगा ना, तो इसी के हिसाब से व्यवस्थित कर देना। अब देखिए सबसे पहले इन चारों में कौन सी घटना हुई है, तो चौथा वाला हुआ है। अच्छा, इसके बाद कौन सी घटना हुई है, इसके बाद आप देखोगे तो पहला हुआ है, इसके बाद कौन सी घटना हुई है, इसके बाद तीसरा हुआ है ना, और इसके बाद कौन सा हुआ है, दूसरा हुआ है। तो आप देखिए क्या जो आपने ये बनाया है, क्या ऐसा कुछ मिलता जुलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला पहले है, यहाँ पे दूसरा पहले है, यहाँ पे चौथा, हाँ ठीक है, पहला पहला, तीसरा तीसरा, और दूसरा दूसरा, यानी कि आपका जो गौ ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी देगा चीजों को समझने के लिए। चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, निम्न किस मध्य एशियाई देश के राष्ट्रपति ने खुद को सत्ता में नियुक्त किया और पहले 10 साल के लिए और इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने आप को सत्ता में नियुक्त किए और फिर 10 साल के लिए और फिर 10 साल के लिए बढ़ाए, ठीक है। तो वो हैं आपके तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, यही के राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये चीज किया था, तो यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, शस्त्र नियंत्रण पारस्परिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है, बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि क्योंकि यह सैन्य कार्रवाई को रोकता है, यह सैन्य हमले से बचाव के लिए कार्रवाई में समन्वय है, यह हथियारों के अधिग्रहण या नियंत्रण में नियंत्रण विकास को नियंत्रित करता है, और इसके साथ साथ घ पॉइंट लिखा है कि इसका संबंध युद्ध जैसी स्थिति को रोकना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो अपना शस्त्र नियंत्रण है, ठीक है, शस्त्र नियंत्रण से युद्ध जैसी स्थितियां भी रुकती हैं, ठीक है, और इसके अलावा हथियारों के अधिग्रहण तथा विकास को नियंत्रण करता है, ठीक है, यानी कि जो
शस्त्र नियंत्रण है, इसमें हम हथियारों को अधिग्रहण करते हैं यानी कि कम से कम करते हैं, और विकास शस्त्रों का जो विकास है उसको हम कम करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिद्वंद्वी गलतफहमी या गलत धारणा के कारण युद्ध में न जाए। ठीक है, तो इसमें लिखा है अलायंस बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग को बिल्डिंग नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके जगह पे होगा बहाली करके। ठीक है, बहाली है ना, तो अलायंस बहाली, विश्वास बहाली यानी कि विश्वास के द्वारा शक्ति संतुलन या फिर शस्त्र नियंत्रण। ठीक है, तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो हो जाएगा विश्वास बहाली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही है, अगर चीजें समझ में आ रही है तो फटाक से लाइक कर दीजिए, लाइक कर देंगे तो इससे हमें एक तरीके से मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ ही साथ हम कहेंगे कि चलो हमारा एक वीडियो बनाना आप सबके लिए यूजफुल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा है, सूची एक या फिर सूची दो से सुमेलित कीजिए यानी कि इस चीज को आपको मिलाना है। ठीक है, तो एक साइड आपका क करके लिखा है, एक साइड आपका 1 2 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो अब इसको आपको मिलाना है। सबसे पहले आपको एक एक चीज को पढ़ना है और उसके बाद मैचिंग करते चले जाना है। जैसे क्या लिखा है, कार्डिलेरा क्षेत्र के स्वदेशी लोग हैं, क्या हैं, तो यहाँ पे ये इनको फिलिपिन्सी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या लिखा है कि मापूचे, मापूचे जो हैं ये कहाँ के हैं, तो मापूचे अगर देखा जाए तो ये चिली के हैं। इसके अलावा चटगांव पहाड़ी इलाकों के आदिवासी लोग होते हैं, क्या होते हैं, तो ये बांग्लादेश के साइड एक चटगांव करके अपना एक वो है जो कि हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कूना जनजाति जो है ये है पनामा में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपको सुमिलित करना है ऐसे करके, इधर इधर से इधर, इधर से इधर, और लास्ट वाले का लास्ट वाला। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में कथन ए के बाद कथन आर का दिया हुआ है यानी कि एक तरीके से अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता ही है, आप तो आइडिया लग ही गया होगा, पहले जब स्टार्टिंग में आया था उस समय आइडिया नहीं था हमें, लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया लग गया है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो कैसे करना है चीजों को समझिए। क्या लिखा है कि पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तर के औद्योगिक देशों ने संसाधनों के सतत प्रभाव को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा उन्होंने शोषण शोषण स्थलों के निकट सैन्य बलों को तैनात किया है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन अगर चेक कीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन में क्या लिखा है, कथन और कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे देखिए कथन और कारण दोनों सही है, ये तो पॉइंट मैच खा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे किसकी बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात किया गया है एक तरीके से उद्योगों का, मतलब इंडस्ट्री का बात किया गया है, और इसमें किसकी बात किया गया है, इसमें सैन्य बलों की बात किया गया है, यानी कि एक में उद्योग की बात की जा रही है, एक में सेना की बात की जा रही है। तो क्या पॉइंट मैच कर रहा है क्या? नहीं, बातें तो दोनों लिखी हुई सही है, लेकिन पॉइंट मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। इस वजह से देखा जाए तो कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कथन कारण, मतलब कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। इस वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ख पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला देखते हैं, सातवां जो क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष का नाम बताइए, यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का वो किया था, अध्यक्ष किया था, तो वो थे KM मुंशी। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे, आजादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा और अंत में आयोजित करना पड़ा, यानी कि जब आजादी हुई थी उस टाइम पे लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2 बार तो स्थगित कर दिया गया था यानी कि रोक दिया गया था, और बाद में जाके जब चुनाव हुआ तो कब हुआ, कब हुआ, नवंबर 1951 से फरवरी 1952 तक, दिसंबर 1951 से 52। सबको इतना तो कंफर्म है कि 51 से 52 में हुआ था, लेकिन ये जो महीना है, मंथ, इसमें कंफर्म नहीं है। तो इस वजह से इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 में किया गया था। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 9वां क्या लिखा है, 1956 में भारत की यात्रा के दौरान दलाई लामा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा चीनी नेता था, यानी कि जब दलाई लामा भारत को विजिट कर रहा था तो उस टाइम पे उनके साथ कौन से और नेता थे, चीन के जो नेता थे उनका क्या नाम था। तो ये है, तो इसमें है प्रीमियर झोउ एनलाई। ठीक है, इस तरीके से ग ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण, फिर वही दिया, अब इसमें दावा तथा कारण दिया, लेकिन फिर वही चीजें आपको देखना है, ठीक है। अब समझते हैं, संविधान की 5वीं अनुसूची आदिवासी स्वायत्ता को उनकी प्रथाओं तथा प्रथागत कानूनों को संरक्षित करने की अनुमति देती है। बिल्कुल सही बात है, देती है। ये प्रावधान पूर्वोत्तर में जटिल राजनीतिक समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण साबित होता है। अब देखिए, इन दोनों को पढ़ेंगे ना तो ऐसा आपको लग रहा है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मतलब ये समझ में आता है कि दावा कारण से मैच कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी सही है, ये भी सही है, इस वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभिकथन तथा मतलब कथन तथा कारण दोनों ही सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इस वजह से यहाँ पे क पॉइंट राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे क पॉइंट हो गया, बस आपको रिलेशन मैच करना है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, भारत ने किस देश की स्वतंत्रता की शीघ्र प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर पुरजोर प्रयास किया, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ज्यादा पुरजोर प्रयास किया था, तो कौन था, तो ये था आपका इंडोनेशिया। यहाँ पे घ पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, इंडोनेशिया ने इसको किया था। एक लास्ट देख लेते हैं, 12वां क्वेश्चन क्या लिखा है, बोडो समुदाय से संबंधित है। बोडो, यहाँ में पता है बोडो समुदाय देखने को मिलता है असम में, है ना, बोडो एक प्रकार का समुदाय है जो अपने आप को मतलब वहाँ के समुदाय के जितने भी लोग हैं अपने आप को बोडो कहते हैं, तो ये असम में देखने को मिल जाता है, इस वजह से यहाँ पे ख पॉइंट राइट हो गया। तो हमने पहला जो टास्क है जो अपना MCQ वाला है वो हमने कर लिया है, अब हम बात करने वाले हैं दो दो अंक के क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलिए दो दो अंक के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप सबके लिए वो हो पाए मतलब जरूर क्या बोलते हैं, चलिए बात करते हैं अब दो दो नंबर के क्वेश्चन की, क्या लिखा है, भारत भूटान संबंधों की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब भारत तथा भूटान के किस तरीके के संबंध है तो इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, भूटान क्या करता है हमारे लिए, भूटानी सम्राट जो थे वो भारत देश में सक्रिय उत्तरी पूर्वी भारत के गुरिल्लों तथा उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए किए गए प्रयास भारत के लिए मददगार हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो भारत विरोधी षड्यंत्र रचनेत्रस्त हैं या फिर भारत को नुकसान करने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे जो गोरिल्ले होते हैं तथा फिर उग्रवादी होते हैं, गोरिल्ले मतलब जो जंगलों में रहते हैं, पेड़ों पर छुपे हुए होते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं, वो चीजों जो होते हैं तथा जो उग्रवादी होते हैं, ऐसे जो लोग उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो थे ना उसको भूटानी सम्राट ने वहां से भगा दिया और इससे भारत को बहुत ज्यादा मदद मिली। तो भूटान ने उनको भगाकर भारत की मदद की, तो भारत ने भी तो भूटान का मदद किया। भारत ने कैसे भूटान का मदद किया, तो भारत भूटान में बड़ी जल विद्युत परियोजना में शामिल हुआ है, यानी कि भारत ने भूटान को जल के द्वारा जो विद्युत यानी कि बिजली उत्पन्न की जाती है उसमें सहायता पहुंचाई है तथा हिमालयी साम्राज्य की विकास सहायता का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। यानी कि भूटान ने उनको भगाकर वहां से भारत की हेल्प की और भारत ने इस चीज में उसकी हेल्प की जल विद्युत बनाने में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करके लिखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है अपना, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई दो घटक, यानी कि भारत अपनी सुरक्षा रणनीति के कोई दो घटक कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको पता है भारत ने परमाणु बम परीक्षण भी किया था, इस वजह से क्योंकि उनको ये बात पता कि आसपास के जो देश है जैसे चीन हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, उनके पास भी परमाणु बम है तो भारत के पास भी होना जरूरी था, ठीक है। तो इस वजह से पहले अगर सैन्य गठन की बात किया जाए तो ये सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया गया था। 1998 में परमाणु परीक्षण करके भारत के लिए ये निर्णायक राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उठाया गया, ठीक है, उचित ठहराया गया, यानी कि जो अपना परमाणु बम बनाया गया था उसको एक उचित ठहराया गया। और दूसरे नंबर की अगर मैं बात करें तो ये सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए इस चीजों को किया गया था, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूती मिल पाए। इसके साथ साथ भारतीय सुरक्षा रणनीति का तीसरा जो घटक, हालांकि दो ही घटक पूछा है, यहाँ पे तीसरा भी लिखा हुआ है, तो आपको जो भी अच्छा लगे इसमें से सिर्फ दो ही लिख देना। तो भारतीय सुरक्षा रणनीति का जो तीसरा घटक है वो क्या है कि देश के भीतरी सुरक्षा की चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर, जैसे ऐसे जो क्षेत्र जहाँ पे आतंकवादी जो समूह है बार बार जो भारत पे हमला करते हैं उनके खिलाफ इन चीजों का प्रयोग करने के लिए, ठीक है, भारत ने इन सब चीजों को बनाया है। अच्छा, इसके साथ साथ भारत में अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने का प्रयास किया गया ताकि नागरिकों को, विशाल जनसमूह को गरीबी से बाहर निकाला जा सके, है ना। इस तरीके से भारत ने अपनी सुरक्षा रणनीति को बना रखा है। तो इसमें से क्या लिखा है, कोई दो बिंदु आपको लिखने हैं तो कोई दो ही आपको लिख देना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, 15वां क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अंतर। तो अंतर जैसे आपको बताया, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 में स्टार्ट की गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसके 5 साल बाद यानी कि 1956 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो कृषि पे था और दूसरे वाले का जो उद्देश्य था वो था आपका उद्योगों के ऊपर, ठीक है।
तो इस तरीके से आप करके लिख देना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था उद्योगों को बढ़ावा देना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में धैर्य पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रचनात्मक संरचनात्मक परिवर्तन लाना चाहते थे, इस वजह से इन चीजों पर जोर दिया गया। इस तरीके से आपको करके लिख देना है, ठीक है। और अगला क्या लिखा है, 16वां क्वेश्चन, कि देश में प्रथम आम चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग के सामने कोई दो समस्याएं क्या थी। तो दो समस्याएं ये थी, सबसे पहले लोग उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इसके अलावा परिसीमित नहीं किया गया था, यानी कि एरिया डिसाइड नहीं कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था उस समय पे, क्योंकि आजादी हमें मिली हुई थी, ठीक है, और उन चीजों को करने में समय लगता था। इसके साथ साथ जन मतदाता सूची का पहला जो मसौदा प्रकाशित हुआ उसमें 40 लाख महिलाओं के नाम सूची में दर्ज ही नहीं थे। आपको पता है कि समाज में फैसला लेने के लिए महिलाएं तथा पुरुष दोनों ही एक तरीके से समझिए कि एक ही वो है, मतलब क्या है, दोनों ही जरूरी है एक तरीके से, ठीक है। तो 40 लाख जो महिलाएं उनका नाम अगर दर्ज ही नहीं है तो आप समझ पा रहे हो कि बहुत बड़ा जो राजनीति गैप आ सकता था, है ना, वोटों के हिसाब से। आगे बात करते हैं, 17 करोड़ पात्र मतदाता थे और इन्होंने सॉरी 17 करोड़ पात्र इसमें लिखा है, यहाँ पे मात्र होगा, तो 17 करोड़ मात्र मतदाता थे जिन्हें लगभग 32,000 विधायक तथा 489 लोकसभा सदस्य चुनने थे। और इसके साथ साथ इन योग्य मतदाताओं में से केवल 15% साक्षर थे, यानी कि 15% से पढ़े लिखे थे। चुनाव आयोग को मतदान के लिए कुछ विशेष तरीकों के बारे में सोचना पड़ गया था, इस तरीके से आपको करके लिखना, ठीक है। तो ये दो समस्याएं देखने को मिल गई, एक तो चुनाव में महिलाओं को कम भागीदारी देखने को मिला, और साथ ही साथ परिसीमन करना यानी कि सीमाओं को डिसाइड करना, इसके साथ साथ चुनाव को कराना, ठीक है, ये बहुत बड़ा टास्क था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है और पृष्ठ संख्या भी लिखी हुई है, तो आप एक बार इसको भी विजिट करके देख लेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा आप लोग। आगे बात कर लेते हैं 17वां क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया तथा अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों के सामने कोई दो चुनौती। तो सबसे पहले चुनौती की बात किया जाए तो नए स्वतंत्र देशों में न केवल अपनी सीमाओं के बाहर बल्कि भीतर से भी खतरों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले चीज, सीमाओं के बाहर तो खतरा था ही, लेकिन सीमाओं के भीतर भी इस खतरा होता है, क्योंकि आपसी गृह युद्ध हो जाना या फिर अपने में ही लड़ जाना, ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इनमें से कुछ राज्यों को देश के भीतर अलगाववादी आंदोलन के खतरे भी देखने को मिल गए थे, यानी कि अपने ही देश के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग होने की डिमांड करने लगते हैं। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसका सामना सीमाओं के बाहर किया जाता है। आतंकवाद जो है ये सीमाओं के बाहर की भी समस्या है और घर के अंदर की भी समस्या है, क्योंकि अंदर घुस के वो कई कई जगह पे बम लगा देते हैं, ऐसी भी चीजें हैं। नौ स्वतंत्र देश घनी आबादी वाले और वे गरीबी की समस्याओं का सामना कर रहे थे, यानी कि जो नए नए देश जो स्वतंत्र हुए थे वो घनी आबादी का मतलब होता है उनके इधर जनसंख्या भी ज्यादा थी और साथ ही साथ वहां के जो लोग थे वो गरीब भी थे, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे गए दो पाठ। तो दो पाठ क्या है, सबसे पहले चीज है ये समझ में आ गया कि लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता है, और इसके साथ साथ लोगों को ये भी समझ में आ गया था कि जो संविधान है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, संविधान की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आज तक हमें स्वतंत्रता की वैल्यू नहीं पता थी, मतलब जब आपातकाल लगा था तो लोगों के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया गया था। वैसे लोगों को ये नहीं पता है कि मौलिक अधिकार का क्या रोल है, बट उस टाइम पे लोगों को ये पता लगा कि हाँ मौलिक अधिकार का कितना रोल है। अच्छा, साथ ही साथ क्या किया गया कि जैसे इंदिरा गांधी से जब पूछा गया कि आपने आपातकाल क्यों लगाया, तो इंदिरा गांधी ने यह कहा कि हम आपातकाल इस वजह से लगाए क्योंकि हमारी पार्टी में अंदरूनी गड़बड़ी चल रही थी। तो इस प्रावधान को चेंज करके अब संविधान में यह कह दिया गया कि अब कोई अंदरूनी गड़बड़ी हुई तो उसके हिसाब से आप आपातकाल नहीं घोषित कर सकते हो, बल्कि इसके जगह पर सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र विद्रोह अगर होगा देश में तो ही आप आपातकाल की घोषणा करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में इन चीजों को दिया जाएगा, तभी जाके आपातकाल लग सकता है, अदरवाइज नहीं। तो 1975 के बाद आज तक की राजनीति में कभी आपातकाल की मतलब आपातकाल नहीं लगा। इसके अलावा तीसरी अगर सबक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे रखा गया कि अदालत जो है वो व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाएगी, यानी कि उस समय पे न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब ये कहा गया कि अब से ऐसा होगा कि नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा की जाएगी, ठीक है, और कौन करेगा, वो करेगा अदालत यानी कि न्यायालय, ठीक है। आगे बात कर देते हैं 19वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि भारत की प्रमाणित नीति की कोई चार विशेषताएं लिखिए। अब देखिए चार नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रमाणित नीति की अगर बात किया जाए तो आधुनिक भारत की तेजी से निर्माण के लिए नेहरू जी ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपना विश्वास रखा है। उनकी औद्योगिकरण योजना का एक महत्वपूर्ण घटक, ठीक है, होमी जे भाभा के मार्गदर्शन में 1940 के दशक के अंत में शुरू किया गया परमाणु कार्यक्रम था और भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता था, यानी कि भारत चाहता था कि परमाणु ऊर्जा यानी कि परमाणु बम बनाया जा सके। तो सबसे पहला चीज ये है। दूसरा क्या लिखा है, भारत ने
भारत नो फर्स्ट यूज की वकालत की है। नो फर्स्ट यूज का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम परमाणु बम का यूज नहीं करेंगे। कि जैसे मान लो भारत के किसी देश से लड़ाई हो जाती है, ऐसी स्थिति में भारत ने यह कह दिया है कि हम छूटते ही परमाणु बम का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने वाले ने परमाणु बम का यूज किया तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो ऐसा ही भारत ने नो फर्स्ट यूज की वकालत भी की है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लिए गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निरीक्षण निशस्त्रीकरण लोडिंग पर वैश्वीकरण सत्यापन योग्य भारत की प्रतिद्वंदता को दोहराता है। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत ने क्या किया था कि परमाणु बम जब जिस टाइम पे बना रहा था तो उस टाइम पे उसने क्या किया था, कई सारे जो अन्य जो परमाणु संपन्न जो देश है उन्होंने क्या किया था कि कुछ नीति लगा दी थी, जैसे NPT हो गया, CTBT हो गया, कि जो अन्य जो देश है वो परमाणु बम नहीं बनाए। तो ऐसी स्थिति में भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत का मानना था कि आसपास के देशों में परमाणु बम है और कल की डेट में अगर हमारी उनसे लड़ाई हो जाती है तो वो क्या करेंगे, हम पे परमाणु बम छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए परमाणु बम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो ऐसी चीजों के लिए भारत ने क्या किया था उस टाइम पे, साइन नहीं किया था। आगे भारत परमाणु हथियारों के खिलाफ था स्टार्टिंग से ही, लेकिन इसलिए महाशक्ति के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की वकालत की। इसने क्या किया कि आगे चल के परमाणु निशस्त्रीकरण, यानी कि अब एक बार तो हमने बना लिया लेकिन आगे चल के हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। और जितना ज्यादा आपको पता है हथियारों का प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा देश में ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी जिससे लड़ाई की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से भेदभाव से रिलेटेड भारत ने हमेशा NPT को भेदभावपूर्ण माना है। इसलिए माना है क्योंकि जो देश ऑलरेडी संपन्न है उनके लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन जिन देशों के पास नहीं है वो देश क्या करेंगे। तो जो चीज अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया ना वही चीज है इसमें। इसके साथ साथ मई 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था और 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। इस तरीके से चीजें हैं, आपको ऐसे करके लिखना है, एक बार पढ़ेंगे और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उन घटनाओं पर चर्चा कीजिए जिन्होंने USSR के भीतर संकटों को बढ़ाया और जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे घुमा के फिरा के पूछ लिया गया है, अदरवाइज आपको इस क्वेश्चन का आंसर वही लिखना है कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले चीज मिखाइल गोर्बाचोव की जो सुधार नीति थी जैसे पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, इसकी वजह से हुआ था। इसके अलावा 1991 में तख्ता पलट हो गया था और कम्युनिस्ट पार्टी के जो कट्टरवादी जो लोग थे वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए और इस तरीके से सोवियत संघ का अंत हो गया। इसके साथ साथ बात क्या है, सोवियत संघ का जो प्रशासन तथा राजनीतिक जो स्तर था यानी कि जो तंत्र था वो स्थिर हो गया था, यानी कि वो काम ढंग से नहीं कर रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। भ्रष्टाचार, सरकार में अपने खुलेपन की अनुमति देने की अनिच्छा के कारण इसका धीरे धीरे पतन होते चला गया। इसके साथ साथ गोर्बाचोव की अज्ञानता और उसके उदार दृष्टिकोण ने बदले में पूर्वी यूरोप में संप्रदाय विरोधी ताकतों को धीरे धीरे मजबूत किया और इसके द्वारा रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, ये सब जो देश थे वो उनसे अलग होने की डिमांड करने लगे। ऐसे करके चीजें आपको लिखनी है। आगे संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने काफी आर्थिक विकास दर्ज किया और मानव विकास उसका उच्च स्तर दर्ज किया है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि इतना ज्यादा संघर्ष हुआ श्रीलंका में, लेकिन इसके बावजूद भी आर्थिक विकास अगर देखा जाए तो श्रीलंका में काफी हुआ है और इसके साथ साथ मानव विकास का जो उच्च स्तर है वो भी काफी अच्छा हुआ है श्रीलंका का। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इस बात से आप समर्थन करते हैं, तो यही चीज लिखा है। तो आपको आंसर क्या देना है कि जाति संघर्ष अगर देखा जाए श्रीलंका में तो काफी हद से चलता आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी श्रीलंका ने अपनी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक विकास है, उसे इसको सुनिश्चित किया, बढ़ाया है। तो श्रीलंका जनसंख्या की वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाले पहले विकासशील देशों में से एक था। और दूसरा लिखा है कि अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश था। गृह युद्ध के माध्यम से कई वर्षों तक इसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जो उत्पाद रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता रहा है। और इसके अलावा आंतरिक संघर्ष की तबाही के बावजूद भी श्रीलंका ने एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का व्यवस्था बनाकर रखा है। यानी कि देखा जाए तो भारत के बाद दूसरा जो कंट्री है श्रीलंका ही है जहाँ पे डेमोक्रेटिक जो चीजें हैं यानी कि लोकतांत्रिक चीजें बहुत बखूबी ढंग से चलती है। इसमें देखिए आपको ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है कि पाकिस्तान में एक स्थिर लोकतंत्र के निर्माण की राह में आने वाली किन्हीं चार बाधाओं का प्रकाश डाली है। इसमें क्या है कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र के निर्माण में जो समस्या देखने को मिलती है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनमें बाधा पहुंचाती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में वहाँ के जो बनावट है जैसे वहाँ ही के जो धर्मगुरु वगैरह हैं वो सब जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान में लोकतंत्र की राह में और एक तरह की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। वहाँ की जो सैनिक है वो भी कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर ही देती है। ठीक है, और इसके अलावा
वहां की जो जनता है कभी लोकतंत्र को सपोर्ट करती है तो कभी सैनिकों को सपोर्ट कर देती है। तो इस चक्कर में ऐसे चीजें देखने को मिल जाता है। तो क्या लिखा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन के लिए वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी ने सेना को उनका प्रभुत्व जारी रखने का प्रोत्साहन दिया, यानी कि सेना ने अपने प्रभुत्व को ज्यादा वहां पर बना रखा है, और भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष में अर्धसैनिक समूहों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे जो सैनिक वर्ग है वो ज्यादा ही ताकतवर रहता है, और इसके अलावा वहाँ पे जो लोकतंत्र है उसको त्रुटिपूर्ण बता दिया गया, यानी कि उसमें उसके अंदर कमियां है ऐसी बता दिया गया है। और इसके अलावा स्वार्थी दिमाग वाले दलों तथा अराजकता लोकतंत्र में पाकिस्तान की सुरक्षा को नुकसान होगा। यानी कि उनका मानना यह है कि अगर लोकतंत्र में जो राजनेता है वो अगर अब सत्ता को चलाएंगे तो आधे तो उनके पास दिमाग होता नहीं, ऐसा उनका मानना है, और अराजकता लोकतंत्र में धीरे धीरे पाकिस्तान की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने लगा है, तथा इस वजह से सैनिक जो सत्ता है वो रहना बहुत ज्यादा उचित हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। सैन्य जो पादरी जो लोग हैं उनका बहुत ज्यादा प्रभुत्व, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ के जो अभिजात वर्ग के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े वर्ग के लोग हैं, वो अपने आप को ज्यादा ही वहाँ पे दिखाते हैं, और ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो सरकार है वो चल नहीं पाती है। इसके साथ साथ इस्लामी आतंकवाद हो गया, उनकी आशंका की पाकिस्तान का परमाणु जखीरा इन आतंकवादी समूहों के हाथों में चला जाता है, और पाकिस्तान में सैन्य शासकों को पूर्वी एशियाई तथा दक्षिणी एशियाई में पश्चिमी हितों के लिए रक्षक के रूप में देखा जाता है। यानी कि देखा जाए तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से वहाँ पे चीजें अच्छे से नहीं हो पाती है। आगे राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रभावशाली समाज की संस्कृति एवं कम शक्तिशाली समाज पर अपनी छाप छोड़ती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसमें क्या लिखा है, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रभावशाली जो समाज होती है, समाज की संस्कृति जो है एक कम शक्तिशाली समाज पर अपनी छाप छोड़ती है। यानी कि जहाँ पे संस्कृति कम होती है, यानी कि जहाँ पे संस्कृति का इम्पोर्टेंस कम होता है, वहाँ पे राजनीति तथा आर्थिक जो रूप वाले जो समाज है वो अपनी छाप को छोड़ देते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से समझिए क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखा है कि बाहरी प्रभाव केवल हमारे विकल्पों को बढ़ाते हैं, कभी कभी वे हमारी संस्कृति को पारंपरिक रूप से भी प्रभावित कर देती है। उदाहरण के लिए जैसे बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, ठीक है, जो बर्गर है वो मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस अलग है और इसका इंपॉर्टेंस अलग है, और इसीलिए कोई वास्तविक चुनौती पेश नहीं करता है। और इसी तरह नीली जींस होम स्पून की खादी के कुर्ते के साथ अच्छी जा सकती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कई बार ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाती है कि एक चीज दूसरे चीज पे हावी हो जाती है, और कई बार एक चीज दूसरे चीज पे मैच करने लगती है, ठीक है। वैश्वीकरण हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है तथा सांस्कृतिक एकरूपता उत्पन्न करता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि वैश्वीकरण के कारण जो सांस्कृतिक एकरूपता है वो भी देखने को मिल जाता है, और कई स्थिति में ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि वैश्वीकरण के कारण जो सांस्कृतिक जो वो है भेदभाव है वो भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, संस्कृति को और अधिक भिन्न भी कर देता है। तो दो चीजें देखो लिखी है ना, कि कई जगह पे एक रूपता भी और कई जगह पे अधिक भिन्नता भी देखने को मिल जाता है। यह न केवल गरीब देशों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा भी है, क्योंकि इससे पूरे विश्व की समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है। तो इसमें आपको वही बातें लिखनी है कि किस तरीके से वैश्वीकरण ने हम पे प्रभाव किया है, किस तरीके से वो संस्कृति के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ऐसा करके आपको लिखना है। आगे विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो विकासशील देश, आपको पता है कि जो विकसित देश है, जो अमीर देश है, वो विकासशील देशों को एक मंडी के रूप में देखते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो भी काम करते हैं। तो वैश्वीकरण ने दुनिया भर में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि किया है, साथ ही साथ विभिन्न देशों द्वारा अन्य देशों के आयात पर भी प्रतिबंधों को कम किया है। यानी कि सबसे पहली चीज तो इन्होंने वस्तुओं के जो वृद्धि है उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया है, और इसके साथ साथ आयात करने पर प्रतिबंध को कम कर दिया, यानी कि चीजों को आयात को इजीली करते हैं। देश के बीच पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध धीरे धीरे कम हुए हैं, और इस प्रकार अमीर देशों में निवेश अपने पैसों को अन्य देशों में, विशेष रूप से विकासशील देशों में निवेश कर सकते हैं जहां उन्हें बेहतरीन रिटर्न मिलता है। यानी कि जो अमीर देश है वो गरीब देशों में पैसा लगाते हैं और वहां से उनको रिटर्न मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है। आगे इंटरनेट कंप्यूटर से क्या है, धीरे धीरे लोगों का विचार का प्रसार हुआ है, और इसके साथ साथ वैश्वीकरण के कारण आवाजाही जो है वो भी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए यूएस में सिलिकॉन वैली में अगर देखा जाए तो जो भारतीय काम कर रहे हैं लमसम अगर देखा जाए तो 3 लाख के आसपास जो लोग हैं वहाँ पे भारतीय लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, विकासशील देशों पर इसका बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे समझ लेते हैं, भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय मांगे विविधता के साथ एकता के सिद्धांत का उदाहरण है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो बिल्कुल सही बात है कि अगर देखा जाए तो भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय मांगे हैं विविधता के साथ एकता का भी सिद्धांत पेश करती है। कैसे, तो इन चीज को देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले आपको इस तरीके से हेडिंग देनी है, हाँ मैं निम्नलिखित कारणों से सहमत हूँ। कैसे,
क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है, क्षेत्रीय मांगों को भी लोकतांत्रिक तरीके से संबोधित करती है। जब हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की कोशिश करते हैं तो प्रतिरोध अलगाववाद को बढ़ावा धीरे धीरे मिलने लगता है, और यह भारत में नहीं लेकिन यूके जैसे अन्य छोटे छोटे देशों में खास करके अगर देखा जाए तो स्कॉटलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जवाब देने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो लोकतांत्रिक वार्ता के माध्यम से, यानी कि लोकतांत्रिक बातचीत के द्वारा ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके साथ साथ सत्ता की जो साझेदारी है, कई बार ऐसी भी चीज़ देखने को मिल जाती है। हालांकि देखा जाए तो जो क्षेत्रीय जो लोग हैं जो डिमांड करते हैं वो अपने चीज़ों को ध्यान में रखकर डिमांड करते हैं। अब सरकार का यहाँ पे बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से देखे और उन चीज़ों को सॉल्व करें। क्या लिखा है, सत्ता की साझेदारी, अधिक प्रतिनिधि होने के लिए क्षेत्रीय दलों को राज्य के साथ साथ केंद्र में क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता का साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वो भी अपनी बातों को रख पाए। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे संविधान के जो निर्माताओं ने दूरदर्शिता को भी ज़्यादा वो किया है कि आगे चल के किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, इस वजह से उन्होंने अपनी व्यवस्था को, संविधान को लचीलापन बनाया है ताकि चीज़ों को एडजस्ट किया जा सके, ताकि यहाँ पर कोई भी भेदभाव किसी के साथ ना हो पाए, है ना। इस तरीके की भी चीज़ें की है। तो बाकी अब हम बात करने वाले हैं पैसेज की, तो पैसेज को भी जल्दी से देख लेते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि चीज़ें बहुत ही जल्दी अपनी हो पाए। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहां से आप मेरे से इसका पीडीएफ ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके सपोर्ट मटेरियल में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सीबीएसई क्या करती है आप लोग के लिए फायदे के लिए आपके सपोर्ट मटेरियल में डाल देती है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल, ठीक है, कॉमन्स का हिस्सा है, तो आपको पैसेज को पढ़ना है, हम सीधे सीधे आंसर की बात कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ लेना आप एक बार। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है, तो कौन सा है, यहाँ पे लिखा है कि महासागर तल, नर्मदा नदी, थार मरुस्थल तथा नीलगिरी। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा महासागर तल, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आयोजित किया जाता है क्या, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का क्या कहाँ किया गया था, रियो डी जनेरियो में किया गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा तीसरे ऑप्शन की बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी पर्यावरणीय मुद्दों को निपटाने के लिए जुड़ी हुई है, तो कौन सी है, तो ये आपका है UNEP। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है UNEP, यानी कि गो पॉइंट राइट हो जाएगा। ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग आसान क्यों नहीं है, क्यों आसान नहीं है, क्योंकि ये आम पर्यावरण एजेंडों पर आम सहमति का अभाव है, यानी कि आम सहमति नहीं हो पाती है, तो इस वजह से यहाँ पे इस वजह से आसान नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिए आपके मैप से आधारित क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैप के आधारित क्वेश्चन को आपको करना कैसे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन बच्चे मोस्टली इस चीज़ पे बार बार वो करते हैं और कहते हैं कि भैया हमसे गलत हो गया। तो सबसे पहले आपको ये आंसर शीट में ऐसी चीज़ें बना लेनी है, ये जो लिखी जाती है ये क्रम संख्या कौन सी लिखी जाती है, ये क्रम संख्या ये लिखी जाती है, ये वाली क्रम संख्या। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चनों की जो क्रम संख्या है ना, ये क्रम संख्या लिखी जाती है, यहाँ पे संबंधित अक्षर लिखे जाते हैं दूसरे वाले में, और यहाँ पे राज्यों के नाम लिखे जाते हैं। तो अब इन दोनों को कैसे फिल करना है, ये फील करना है इनको पढ़कर। ठीक है, कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले जो नेता से संबंधित जो राज्य है वो कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको, तो वो है डी ऑप्शन हो जाएगा, और डी ऑप्शन क्या है आपका, उत्तर प्रदेश है, तो इस वजह से यहाँ पे डी लिखना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखना है। तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है और उससे संबंधित जो अक्षर है उनको यहाँ पे लिखना है, और उसके साथ साथ आपको उससे संबंधित जो राज्य है वो यहाँ पे लिख देना है, चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे करके आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चनों का आंसर लिखा हुआ है, आप एक बार चेकआउट कर लेना, चीजें हो जाएंगी। आगे कार्टून वाले जो क्वेश्चन है तो कार्टून को देखना है, उसके साथ साथ आपको देखिए यहाँ पे लिखना कांग लिखा है, मतलब कांग्रेस ही लिखा है। ठीक है, तो ये कब ऐसी चीजें हुई थी, ये चीजें हुई थी जिस टाइम पे अपना 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को हरा दिया गया था ना, तो ये उस टाइम की चीजें हैं। ठीक, जिस टाइम पे देखिए यहाँ पे लिखा है मीसा कानून, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, मीसा कानून जारी कर दिया था, इमरजेंसी जारी कर दिया था, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें इन्होंने किया था। तो कार्टून से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन से दो नेता हैं, तो मोरारजी भाई देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राम चरण सिंह, इनमें से कोई दो ही लिखना है। मीसा शब्द की व्याख्या करें तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना मीसा लिखा हुआ है, तो मीसा शब्द की व्याख्या मतलब आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का रखरखाव, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आंतरिक सुरक्षा को नुकसान कर रहा है तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। आगे कांग्रेस को सत्ता से बाहर क्यों कर दिया गया, क्योंकि आपातकाल उन्होंने लागू किया था और इसके साथ साथ कानूनों का दुरुपयोग किया था, इस वजह से ऐसी चीजें हो गई थी। ठीक है, और बाकी ये नेत्रहीन बच्चों वाले क्वेश्चन है और नीचे, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना देखने को मिलता है 27वां, कि यूरोपीय संघ को अधिक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो पहला आर्थिक कारक देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें ये पता है कि विश्व व्यापार में अमेरिका का जितना
हिस्सा है उसका 3 गुना देखा जाए तो यूरोपीय संघ का है। यूरो जो है अमेरिका के डॉलर के लिए खतरा पैदा कर रहा है, तो इसके साथ साथ विश्व व्यापार संगठन में इसका काफी रोल रहे, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और राजनीतिक कारण में अगर देखा जाए तो यूरोपीय संघ का सदस्य फ्रांस था, फ्रांस जो है फ्रांस राष्ट्र की नीतियों को प्रभावशाली करने के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटें हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ फ्रांस नहीं था, फ्रांस के साथ साथ ब्रिटेन भी था, लेकिन अब सिर्फ फ्रांस हो गया है। ठीक है, आगे यूरोपीय संघ में यूएनएससी के विभिन्न गैर स्थायी सदस्य भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो क्षेत्रीय राजनीतिक स्तर पर यूरोपीय संघ काफी मजबूत है। ठीक है, तो एक बार इसको भी रीड आउट कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। सैन्य शक्ति में अगर देखा जाए तो इसके पास सेना भी बहुत अच्छी खासी है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना इसी के पास है। जितना अमेरिका खर्चा करता है उतना उससे थोड़ा सा कम जो है यूरोपीय संघ खर्च करता है। और इसका महत्वपूर्ण जो सदस्य जैसे फ्रांस हो गया, इसके पास 335 परमाणु हथियार हैं, तो ये आप समझ सकते हो कितना इसके पास पावर है। इसके अलावा आसियान के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि आसियान वे का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, और इसके अलावा आसियान समुदाय के स्तंभों के बारे में आपको लिखना है, तो ये समुदायों के नाम है आसियान के, तो आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सांस्कृतिक तथा सामाजिक समुदाय के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो इसके बाद एक बार पढ़ लेना चीजें। आसियान एशिया में एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है और जिसने एक राजनीति मंच प्रदान किया है जहाँ पर एशियाई देश तथा प्रमुख शक्तियाँ राजनीतिक और सुरक्षा से चिंताओं पर चर्चा करती हैं, तो ये चीजें हैं। तथा आसियान शैली जो है आसियान के देशों को एक तरीके से आपस में संगठित करती है और साथ ही साथ किस तरीके से डेवलप करना है उन सब चीज़ों के बारे में बताती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आसियान विजन 2020 भी था, तो यानी कि 2020 तक ये अपनी जो एक डिमांड रखे थे कि हाँ किस तरीके से हमें डेवलप करना है परमाणु बम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, वो सारी चीज़ें इन्होंने किया था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में सुधार का अर्थ है कि सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो कमी देखने को मिल जाती है यूएनओ में वो सुरक्षा परिषद में ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा परिषद का जो सुरक्षा परिषद है उसमें खासकर सदस्यों की जनसंख्या को लेकर, जैसे सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या कम है, यानी कि सिर्फ 5 है, जो अस्थायी सदस्य उनकी संख्या ज्यादा है, मतलब 10 है, तो उसमें सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इन इस चीजों से करके आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सुरक्षा परिषद जो है वहाँ पे जो चार्टर है, एक तरीके से आप समझे चार्टर क्या है, चार्टर जैसे हमारे देश के लिए जरूरत होती है संविधान की, ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्टर बनाया गया है। इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं किस तरीके से चीजों को चलाना है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने स्थायी सदस्यों को पूरी दुनिया में स्थिरता लाने के लिए विशेष जो स्थान है वो दिया है और बाकियों को नहीं दिया है। ठीक है, बाकियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो ऐसी भी चीजें हैं जिसमें कमियां हैं, चीजों को सही करना है। इसलिए सुरक्षा परिषद को सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अपने काम में सुधार तथा सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से शांति बनाए रखी जा सके और सब अपना इसमें योगदान दे पाए, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन इसमें समझा देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र को एक अनिवार्य संगठन क्या बनाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक जरूरी संगठन क्या बनाता है, और बदले संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक यानी कि महत्वपूर्ण बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि यूएनओ का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो था, यानी कि एक तरीके से समझिए कि जब 1914 में जब युद्ध हुआ था, कौन सा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत सारा नुकसान हुआ था, तो उन नुकसानों को ध्यान में रखते हुए लीग ऑफ नेशन की नियुक्ति की गई थी, यानी लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था, जिसकी वजह से ये सोचा गया कि आने वाले समय में कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन आगे चल के यूएनओ बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि लीग ऑफ नेशन 1939 में जो युद्ध हुए थे, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसको रोकने में असमर्थ रहा था, इस वजह से लीग ऑफ नेशन को खत्म करके यूएनओ बनाया गया था। ठीक है, तो इस वजह से ये सबसे पहले जरूरी संगठन है। और दूसरा, प्रासंगिक बनाने के लिए ये जो ऊपर जो हमने कमियां बताई है, इन कमियों को अगर ये दूर कर लेता है, ठीक है, तो ये जो कमी है, जैसे सभी देशों को एक समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक है, किसी एक दो देशों का उसमें ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए, जैसे ताकतवर जो देश है जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, और जो और ब्रिटेन फ्रांस ये सारे जो देश है ये अपनी ताकत को ज्यादातर दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसी चीजों को होना जरूरी नहीं है। वीटो पावर जैसी चीजें उनको खत्म करना चाहिए, या वीटो पावर दो तो सबको दो, नहीं दो तो किसी को मत दो, सिर्फ 5 देशों को देने का क्या मतलब है ना। तो ये सारी चीजें, इन सभी चीजों को करना चाहिए। साथ ही साथ गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण आदि मुद्दों पर सहयोग लागू करना, ठीक है, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के स्तर के लिए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, तो ये सारी चीजें हैं जो कि चीजें करनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझ को धीरे धीरे बढ़ावा देना, ठीक है, तो ये सारी चीज इम्पॉर्टेंट है और जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ करता भी है, लेकिन
और अच्छे से करने की जरूरत है। इसके साथ साथ शांति निर्माण का आयोग का निर्माण करना, ये कुछ प्रासंगिक यानी कि महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं ये बातें की जा रही है। अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने के लिए राष्ट्रीय सरकारों की विफलताओं के मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जिम्मेदारी स्वीकार करना हो गया। आतंकवाद की उसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में निंदा, यानी कि ऐसे आतंकवादी जो हैं उनका सपोर्ट बिल्कुल ही ना करना, और सपोर्ट क्या करना, उनके लिए उनको जड़ से खत्म करने की योजना बनाना है ना। ये सारी चीजें अगर कर लेता है यूएनओ, इसके वजह से इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत के समय कोई तीन चुनौतियां, तो तीन चुनौतियां देखिए, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, सबको एकता के सूत्र में बांधना हो गया, ठीक है, आर्थिक विकास की ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, और लोकतंत्र को कायम करना, ये सारी चीजें हैं। आप एक बार पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इनको कर लेना एक बार। आगे 1947 में भारत के विभाजन के कोई 6 परिणाम देखने को मिले, बिल्कुल जैसे भारत पाकिस्तान बन गया, साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के लिए उनके प्रावधान बनाए गए, नियम बनाए गए, जिसकी वजह से उनके साथ कोई दिक्कतें ना हो, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो विभाजन का एक अन्य परिणाम शरणार्थियों की समस्या भी देखने को मिली, कि जो ऐसे लोग हैं जो भारत से पाकिस्तान में गए, जो शिविर लगा के रह रहे हैं, जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं, जो शिविर लगा के रहे हैं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उनको एक अच्छा मकान देना, घर देना, ताकि वो चीज़ों को कर पाए, ठीक है। सरकार और रेलवे के कर्मचारियों को बंटवारा कर दिया गया धीरे धीरे करके, संपत्ति था वित्तीय संपत्तियों को विभाजन कर दिया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ अल्पसंख्यकों की समस्याएं भी देखने को मिल गई थी, जैसे पाकिस्तान में मुसलमानों को बड़े पैमाने पर पलायन भी किया गया था, बाद में कुल आबादी का लगभग 12% मुसलमान भी थे। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मुसलमान अल्पसंख्यकों को अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों से कैसे निपटा जाए, यानी कि भारत में उस समय रह रहे जितने भी लोग थे, मतलब जो पाकिस्तान नहीं गए थे, उनको भारत में किस तरीके से यहाँ पे रहना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ जिम्मेदारी एक हो गई थी, तो ये परिणाम का एक देखने को मिल गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को, कि 1989 से भारतीय राजनीति में किन्हीं तीन प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, जैसे कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया, मंडल मुद्दा आया जिसमें ओबीसी को आरक्षण मिला, नई आर्थिक सुधार नीति आई एलपीजी की नीति आई, और बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो कि अब राम मंदिर भी बन गया है और उसके जस्ट बगल में बाबरी मस्जिद का भी निर्माण होगा, है ना, और राजीव गांधी की हत्या जो थी वो भी कहीं ना कहीं इसमें कारण थी। तो इसलिए तीन चार घटनाएं आपको लिख देनी है सिर्फ, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, गंभीर प्रतिस्पर्धा तथा कई संघर्षों के बीच ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश दलों के बीच एक आम सहमति है, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि गंभीर जो संघर्ष थे और जो कई सारे प्रतिस्पर्धा थे, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो दलों के बीच एक आम सहमति हुई है, ठीक है, उनके बारे में आपका क्या विचार है, विस्तारपूर्वक लिखिए। तो इसमें देखिए जो विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उन सभी का जो एक केंद्र बिंदु है, जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए वो आरक्षण लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल रहे, देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो पाए, रोजगार अच्छा हो पाए और देश तरक्की की ओर अग्रसर हो, तो ये सारी चीज़ सभी दलों की एक ही कॉमन पॉइंट होता है। तो ये सारी चीज़ें, आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और बाकी मैं चीज़ों को बहुत ही जल्दी समझाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि इसमें आंसर के साथ समझाना है तो वीडियो बहुत ही लंबी बनती चली जाती है, तो इस वजह से सिर्फ क्वेश्चन समझना और एक बार दो बार पढ़ोगे चीज़ें आपको ऐसी समझ में आ जाएंगी, साथ ही साथ चैप्टर का वीडियो अगर देखे रहेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें आ जाएंगी समझ में, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हैं तो चीज़ों को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट।